नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल हित में धरातल पर उतारे कई प्रोजेक्ट। जी हां, हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर सदर हमीरपुर के अंतर्गत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार समय समय पर हिमाचल के हितों को ध्यान में रखकर कई प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाते हुए प्रदेशवासियों को सौगात दे चुकी है। अब सड़कों और पुलों के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है, जो कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यय होगी। एपीएमसी हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा ने रविवार को यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 63.87 करोड़ की लागत से 3 सड़कें व पुल निर्माण की मंजूरी मिलने पर केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार प्रकट किया है। चेयरमैन ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रहते हुए पूरे देश सहित हिमाचल के विकास में भी नए पंख लगाए हैं। शर्मा ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में सड़कें और पुल यातायात की जीवन रेखा होती है, पूरे प्रदेश में सड़क संपर्क सुदृढ़ हो, इस दिशा में भाजपा की सरकारों ने हर आवश्यक कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए केंद्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि के तहत 194.58 करोड़ रुपए 12 सड़कों व पुलों के निर्माण और मरम्मत के लिए मंजूरी किए हैं। देखिए अनूप कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय समय पर हिमाचल प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों को गति प्रदान कर रही है। अभी हाल ही में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमान अनुराग ठाकुर जी के विशेष प्रयासों से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए लगभग 64 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। हम अपनी ओर से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी का, जिनके विशेष प्रयासों से ये सब संभव हो पाया है। सड़कों एवं पुलों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण से हिमाचल प्रदेश के में विकास को एक नई गति मिलेगी।